वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 94 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन या फिर ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इट का प्रयोग हम समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु या फिर मौसम बताने के लिए करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अर्थात इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग में आएगा। अब यदि वाक्य के अंत में है लगा हुआ रहेगा तो इस प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य के अंत में था, थी इत्यादि लगा हुआ रहेगा तो वाच प्रयोग करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करता हूँ। तो कहता है सुबह है, यहाँ पर देखो वाक्य के अंत में क्या है लगा हुआ है ना, तो इट के साथ इज प्रयोग में आएगा, इट इज। ठीक है, सुबह है, इट इज मॉर्निंग। अब कहता है सुबह थी, देखो वाक्य अंत में थी लगा हुआ है तो इट के साथ वाज प्रयोग में आएगा। ठीक है, इट वाज मॉर्निंग। शाम है, इट इज इवनिंग। शाम थी, इट वाज इवनिंग। रात है, इट इज नाइट। रात का समय था, इट वाज नाइट। अभी दोपहर है, इट इज मिड डे नाउ। अभी दोपहर है, इट इज मिड डे नाउ। जा रहा था, इट वाज विंटर। गर्मी का समय है, इट इज समर। गर्मी का समय है, इट इज समर। सन 1990 था, इट वाज 1990। सन 1990 था, इट वाज 1990। सोमवार है, इट इज मंडे। मंगलवार था, इट वाज ट्यूजडे। मार्च है, इट इज मार्च। जुलाई माह था, इट वाज जुलाई। अप्रैल माह है, इट इज अप्रैल। अप्रैल माह था, इट वाज अप्रैल। अप्रैल माह था, इट वाज अप्रैल।